What's up beautiful people, welcome to Siblings Reaction. So guys, हम finally react करने वाले हैं Quarantine पे, जिसको Youngstunners और कृष्णा ने गाया है. और ये आई गेस Youngstunners और कृष्णा का फर्स्ट टाइम कोलैब कर रहे हैं, पाकिस्तानी और इंडियन रैपर्स का. और इस वीडियो के अभी तक 14 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और ये 2020 में रिलीज हुआ था, मार्च 2020. सो लेट्स सी गाइस ये सॉन्ग कैसा है एंड देन रिएक्ट करते हैं इस पे. सो 3, 2, 1 स्टार्ट. Yeah. It's that dollar sign shit. Okay, produced by Jockey. Youngstunners. Video achhi log. Yeah, yeah, yeah. ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लोंडे डिफॉल्टर भागेंगे. हम उल्लू हैं, रातें भी जागेंगे, हम वायस हैं बेटा, हम वायस हैं. तू रियल है तो हम भी नाइस हैं, तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े में, जो नसीली नहीं मेरे लोड़े पे. थोड़े से बीफ से घबरी जो हो रहे थे, आंखें खोल के ये सब्र पर सो रहे थे. बातें चोदने से बच्चे नहीं होते वे. खेओ माय चेस्ट, खेओ माय चेस्ट, हम देसी हिप हॉप के नशे में, वी रैपिंग इट चेक्स. खेओ माय चेस्ट, मीडिया के लांजों से बचे हुए दिल में सब रख के ये माइक पे फटेंगे. सिलेबस की तरह सिलेबस रटेंगे, या मैजिकल बेटा कलम में जादू है. रुकता नहीं बेटा ये कलम बेकाबू है, खुद का नहीं तेरा ये जिन्हों की आमद है. कुछ दिनों में फिर आनी सबकी शामत है, ये हम आकते तेरे इख्तिताम की वाज़े अलामत है. You know. मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनस, 8x स्कोप जैसा फोकस ब्रो. मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूँ. रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ्स गुड. स्टूडियो ही घर, चर्चे और फास्ट फूड. 24 घंटे रेडी मदरफकर, लेट्स डू इट. जब मैं तेरे जैसा नहीं तू मेरे जैसा क्यों है? मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली. तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली. तू काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं. जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं. तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं. किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं. तेरे साथ वाले तेरे साथ लेकिन तेरे सगे नहीं, मदरफकर यू नो. ओके सो यार, तलांजम का पार्ट था. तला अंजम का पार्ट बहुत ही हैवी गया है. और तलांजम के पार्ट में ये भी मजे की बात है, जैसे स्टार्ट में उसने बता दिया कि कोलैब है दिल्ली से कराची. हाँ, उसने बोल दिया, तो उसमें पता चल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोलैब है. और इसके अलावा जिस तरह ये वीडियो स्टार्ट हुई है स्ट्रीट, जिसमें दिखाया गली बॉय शो, पता चल रहा है कि गली लाइक स्ट्रीट बॉयज की बात हो रही है. और इवन इन्होंने अपने रैप में बोला है ना कि रफ चाइल्डहुड, वो से जाहिर हो जाता है कि गली बॉयज इसी तरह ये स्ट्रीट में बनी हुई है. और इसके बाद इन्होंने रेफरेंस वो यूज किया था, आई गेस वो क्या कहते हैं कि 8x स्कोप जैसे फोकस. मैं तो अपनी रियल होमी से भी इंस्पायर हूँ और तला यूनुस मेरे साथ 10 साल से के इसी तरह. ये वाली लाइन काफ़ी फिट थी. और इसके बाद एक और थी, आई गेस ये पता नहीं अब चनके को बोल रहा है किसे बोल रहा है. हाँ, ये किसी ये को बोल हमें बताएं, बता दें, क्योंकि मैंने आई गेस मुझे लग रहा है कि चनके के साथ एक और रैपर थे ना, एक और रैपर थे, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी किसी बात पर आई गेस. सो इसमें बोल रहे थे कि किस किस काम का वो नाम जब तुम्हें मतलब वो मिलते नहीं है, दाम नहीं मिलते, काम नहीं मिलता, इस तरह कुछ था. मतलब उस नाम का क्या करना है जब आपको काम नहीं मिलता. ये लाइन बहुत हैवी उसने ड्रॉप की है. अपनी लाइक सारी सक्सेस बताई है. हाँ वही लाइक वी आर वी, उसने ये बताया तुम क्या हो, तुम्हारा अगर नाम है काम तुम्हें मिलता नहीं है तो इस काम इस नाम का क्या फायदा. ये बात है. और हम रियल हैं ये भी. हाँ हम रियल हैं. और इसके बाद जोके, इसने जोके भी स्टार्ट में दिखाया था रफ चाइल्डहुड, जब उसने बोला था जोके के साथ उसने जब हक किया था वो वाला सीन. और बाकी वो स्ट्रीट का प्रॉपर वो भी है ना मंजर, पीछे कपड़े लटके हुए हैं, वो वाला पार्ट, टूटी हुई दीवारें हैं. सो वीडियो प्रोडक्शन इधर तक तो मुझे काफी फिट लग गया. और जो लाइन्स थे काफी हैवी और लीथल थे. सो देखते हैं कि यूनस क्या करते हैं. से निकले खजाने से, सच के पैमानों से पी रहा पानी. सिर्फ काबिल नहीं दुनिया ये, फिर भी हमारे नहीं लाया गवा भी मैं, ये तो गवारे वे अंधों में गाने हैं. बीटों पे पब्लिक नचारे, ये कहते मचारे अबे चुप हम उजाले. तुम सस्काले मेरे गाने सुने वाले, जाने जाने ये खलाए. हम जेल नहीं भाई, टाइम दिया भाई, ग्राइंड किया तेरा टाइम क्या करूं, मैं रिवाइंड क्या करूं. फिर से टाइट किया तेरी हाइट से, और ज्यादा मेरी हाई प्यार. बॉर्डर पार से भी मिले प्यार, अल्फाज से द नाइटमेयर्स. स्लीप टाइट करूं रिप्लाई, आई एम अ बीस्ट बाय शोइंग पीस साइंस. लुक एट मी बॉय, स्टिल रैपिंग स्ट्रीट्स लाइक डाउट बाय, नेवर डू इट फॉर द क्लाउड. ए जी स्टाइल वो तारे से जो मारे नहीं हमारे नहीं. वो कहते थे म्यूजिक में पैसा नहीं, पर हम कमा रहे शो बजा रहे मिलके खा रहे. तुम नकाले सिंपथी पे ये कमा रहे हैं, खुदा मुझे बचा ले. ये कला मेरी गवाह है, ये बता दे कौन नया है. मेरे दुश्मनों की राय लेने वाले भी गुमराह है, मुनाफिकों की इज्जत अपने माशरे में काए. ये फ्रॉड बनने चले गॉड, सोचा जिनका वक्त बदल दूं, हक बदल दूं, सब बदल दूं. लेने पे आता तो बालों के मैं रंग बदल दूं, लंड पे चढ़ बोलूं मैं तेरे हम शक्ल को. कम अकल पहले ये फ्लो पकड़ तू छोटे वरकू. कलमकार ये बास मेरे अलमनाक, सरत पार भी वाकिफ अवाम जानी खबरदार. बिग एल जैसे ऑफिस बिन अ फाउल शैड, मेरा बैव डाउन आई एम सो हाई नाउ. मेरी वाली वाइब लव, मैं हूं वाइट क्लाउड वाला बेटा क्लाउड 9. जब भी मेरा वर्स बजे कीप द म्यूजिक लाउड मैन. 2020 चौके ऑन द बीट, लेट मी प्रीच आई शुड लीड रैपर जैसे राजे को जरूरी चीज. पहले सीख छोटे फिर आना तू बीट पे. Oh
ओके लास्ट में तलहा टू टीक है, तलहा ने बहुत ही हैवी वर्ड्स ड्रॉप किए हैं अपने यार। तलहा यूनस की जो लाइन थी काफ़ी डीप थी, हर एक लाइन में रेफरेंस यूज़ किए हैं, और मुझे जितना लग रहा है ना इन वर्स में ये दो बंदे थे, जैसे वो लास्ट में बोला ना तलहा टूटी के, ये वाली लाइन ये आई गेस चेन के लिए बोली थी मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि उसी स्टाइल में बोली थी। और स्टार्ट में फिफ्थ वर्स में इसी तरह स्टार्ट में ना बोला था कि ये कहते मचा रहे, ये वाली लाइन थी मचा रहे आई गेस, वो एनी वे का एक सॉन्ग था मचा रहे ये वाला, याद मुझे नहीं लेकिन बिल्कुल याद है ये वाला, आई गेस एनी वे ने कोई डिस किया था इसी तरह कुछ किया था। उसके अलावा तलहा यूनस की इसमें बाकी लाइन्स हैं दो, वो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं कि करूँ फिर से टाइट क्या तेरी हाइट से, तो मेरी ज्यादा मेरी हाइट प्यार, या आई गेस ये उन्होंने कोई डिस रिलीज किया था तलहा ने शायद, उसने रिलीज किया था उसका कोई जवाब उन्होंने बोला कि फिर डिस रिलीज करो, मुझे तो ये लगता है तलहा ने भी मुझे लगता है कोई रिलीज किया है, फिर उन्होंने शायद दोबारा किया होगा, तो तलहा ने बोला कि फिर टाइट करूँ कहते, मुझे तो ये लगता है। और इसके बाद बॉर्डर पार्ट से मिले प्यार मुझे, ये भी उसने ये तो दो तीन बार उन्होंने बोला। हाँ, और इसके बाद यार एक और रेफरेंस यूज किया दाऊद भाई वाले वाली जो उसमें कहा है ना कि लुक एट मी बॉय स्टिल रैपिंग स्ट्रीट लाइक दाऊद भाई, यार ये अंति रेफरेंस, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता यार कैसे वो एकदम से दाऊद भाई को लेके आ गए। और तलहा ने नीचे ये भी बोला ना कि वो कहते थे म्यूजिक में पैसा नहीं है, फिर भी कमा रहा हूं, ये तो बहुत दो तीन शो बजा रहे हैं, मिलके गा रहे हैं, ये शो बजा रहे हैं, तुम तो सिंपैथी पे व्यूज और गा रहे हो, ये शो बजा रहे हैं मिलके गा रहे हैं, ये वो वाला हमने क्रिएट किया था लगा रहा है गैस, मैं कैसे अपना घर छोड़ू, ये वो वाला उसमें था जो हमने भी रिएक्ट किया था, ये वही वाला था। और इसके बाद एक और क्लाउड नाइन की इसने जो एग्जांपल दी थी वो आई गेस आई क्लाउड उसमें होता है ना आईफोन वाला, तो वही वो वाला काफी अच्छा उन्होंने वो किया था रेफरेंस दिया था, आखिर में जोकी को भी यूज किया उसका रेफरेंस भी थी कि 2020 जोकी ऑन द बीट्स लेट मी प्रीच आई स्टिल ईटिंग रैपर जैसे राजे को जरूरी जीत ली वाली काफी अच्छी लाइन थी। और फिर लास्ट में फिर वही बात थी कि बातें मतलब ये रेफरेंस बहुत डीप है बातें, पहले तो सीख है तो ये सारे चंगे के लिए बातें की है, मुझे नहीं लगता पहले तला अंजुम ने उनके लिए की है, मतलब बाकी रैपर्स मुझे तला अंजुम का सही पता नहीं चला कि वो छेनके के लिए थी कि दोनों ये अगले एमवी के लिए भी थी, अब ये नहीं है लेकिन सबके अलग अलग लोग के लिए, हाँ ये भी हो सकता है कि उन तलंजों पे डिस ना हुआ हो या उन एमवी ने सिर्फ किया हो, या उसने जो कमेंट्स में बता दें कि क्या एक्चुअल सीन था ताकि हम भी फॉलो करें दूसरों को कि क्या सीन हो रहा था। सो देखते हैं गाइज अभी कृष्णा की पार्ट की तरफ, क्योंकि मैंने सुना है कि कृष्णा ने काफ़ी अच्छा गाया था, सो लेट्स सी कृष्णा कैसे गाते हैं, इनमें भी शायद हमें कुछ रेफरेंस मिले कृष्णा में। सो चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं, हाँ कृष्णा के नाम से सड़े ये जैसे इन सालों को गीता पसंद नहीं, हाँ जलती है इनकी हर सुबह तो बोले ये हमको तो तीखा पसंद नहीं, हाँ आई गॉट दिस रैपर सो सॉल्टी लगता है मुझको अब फीका पसंद नहीं, ए They don't wanna fuck with the boy. आई मेरी वेव तो वो सबको डुबोए, मेरे एनिमीज मेरे सपनों में रोए, सारे नरम है गलौटी जैसे लखनऊ में होए, कराची से दिल्ली ये तोहफा है, बेफजूल लूंगी करते जैसे नोटा है, चैन नहीं मिलता तू इतना क्यों रोता है, सुना तेरी जात का होता है छोटा है, YS dollar sign combined Columbine या ना है border line, जब साथ है all a kind of grinding all the time, my life on the line, करूँ ना हो या swine मैं तो करूँ quarantine, yeah I got the nine and I'm ready for the retake, जन्म दिनों रोज को I just wanna see cake, मेरे लिए एक ही Calvin वो है bro there's no CK, already legendary करूँ web carry जैसे military मैं तो वाके इन्हें मौत तू, always secondary तू wait dead and buried, सीधा cemetery जाके फटाफट पहुँच तू, पैटर्न sanitary तेरे लिए necessary जैसे veterinary मेरे आगे भौंक तू, मेरे एडवर्सरी जाते मैं तो रहता वेरी शिट इज कैरी करा के करे मेरे डॉट पे लॉक टू बेस्ट इन द गेम, और इसमें दो राय नहीं अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं, घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं, मेरा तो हारने का कभी दोहराए नहीं, समझ नहीं आए मेरे लव पर आ रूंगी शिट जैसे हुआ मुझे कब, सी स्टूडियो गैंगस्टर्स माइक पे टफ आया फाइट तेरे ने ऑन साइट पे भी रफ। कृष्णा की राइमिंग काफी अच्छी थी, जिस तरह उसने बोला ना कि वो जो एकदम से दो तीन दोहराए की बात मैं करूंगा, दोहराए को उसने तीन चार सेंटेंस में बोला, जैसे अभी तो मेरा दोहराया नहीं है घोड़ी का तो दौड़ाऊँ क्या, इसी तरह चार पांच में पहले उसने वो साल्ट मुझे पसंद नहीं है साल्ट ये फीका पसंद, हाँ ये वाला
यार स्टार्ट में जो चीनी कम वाली लाइन है, मुझे लगता है ये यूज़ हुई है चेन के लिए, क्योंकि वो आई गेस उसके फादर थे कि उसकी मदर चाइना से थी, इस तरह कुछ है, मुझे सही स्टोरी याद नहीं है, शायद इस तरह कोई सीन था इतना मुझे याद है। उसने उसमें रेफरेंसेस बहुत अच्छे यूज़ किए, हाँ, कि मीठा मुझे पसंद नहीं है, कृष्णा के नाम से लोग सड़ते हैं जैसे, हाँ, ये वाली यार काफ़ी अच्छी रेफरेंस यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसकी राइमिंग, और फिर इनने बात की कि मेरे एनिमीज मेरे सपनों में रहो, ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके नीचे जो उसने राइम्स दिए वो बहुत तबाही किए। इसी तरह हमने लखनऊ और कराची, हाँ, वाली बात की है कि ये तोहफा है बेफजूल उंगली, वो वाला काफी अच्छा मुझे लगा है। यार इसने वो बॉर्डर लाइन वाली बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ नहीं है बॉर्डर लाइन जब साथ हैं ऑल ओवर काइंड। उसने बोला है ना कि यंग स्टनर डॉलर साइन सारे कंबाइन मिलके कॉलम्बाइन, और इसका ये भी मतलब है ना कि जैसे ऑल मतलब एक जैसे जब रैपर्स मिल जाते हैं, जैसे अभी हमारा यंग स्टनर काफ़ी अच्छा, और उनके कृष्णा बड़े नाम है उनका कृष्णा का, सो कहते हैं कि इसमें बॉर्डर लाइन ख़त्म हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं है, सो ये लाइन भी काफ़ी अच्छी थी। यार इसमें जो इसने बात की ऑलरेडी लेजेंडरी ऑलवेज सेकेंडरी, ये वाली भी उसने बड़ी अच्छे राइम दिए हैं, हाँ, इसमें जो लास्ट बिल्कुल यार फ्लो के साथ जा रहा था, और इसके बाद आखिरी मुझे काफ़ी अच्छी लाइनें किया, और एंडिंग काफ़ी अच्छी थी, जैसे वो बोल रहा था ना कि बेस्ट इन द गेम, इसमें दोहराई नहीं और घोड़ी बनाया मैंने दौड़ाई नहीं, और मेरा तो हारने का कभी दौर आया नहीं, ये जो दौर है ना या दोहराई, ये ऐसे यूज हुआ कि एक ही जैसे लफ्ज लगते हैं और चार सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से यूज़ हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा इनका स्टाइल लगा। सो और इसके बाद एक और थी यार जैसे कोरोना या स्वाइन, मैं तो क्वारंटाइन ये तो वैसे ही इन टैग लाइन यूज़ किया, सिर्फ इन्होंने टैग लाइन यूज़ किए, बाकी उन्होंने यूज़ किया। सो ओवरऑल यार सॉन्ग तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, अगर हम तल्ला की लाइन पे आ जाते हैं, तल्ला के वर्स पे आ जाते हैं, तल्ला अंजू की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट से वो स्टार्ट होता है और तल्ला यूनुस जॉके वगैरह के साथ मिलता है और रेफरेंस देते हैं, मतलब अपने हेटर्स को बातें करते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद तल्ला यूनुस आ जाते हैं, तल्ला यूनुस करते हैं, तल्ला यूनुस स्टार्ट भी इसी तरह करते हैं कि वो भी हेटर्स के बारे में चिनके, और एंडिंग तो चिनके पे होती है और वो एमी वे को बताते हैं। उसके अलावा फिर कृष्णा आता है, कृष्णा अपने राइम्स बोलता है, उसमें वो भी हेटर्स को ही बोल रहा होता है, सारी बातें बता रहा होता है और बॉर्डर लाइन की बात करता है, और सो ओवरऑल यार ये सॉन्ग काफी अच्छा था, मुझे तो बहुत ही फिट कोलैब लगा है। ये कोलैब शायद उन्होंने इंडिया के साथ फर्स्ट टाइम किया है, हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है, और काफी मतलब सक्सेसफुल गया ये। बिल्कुल कृष्णा ने जिस तरह गाया है वो बहुत अच्छा गाया, हाँ, मतलब पहली बार मैंने कृष्णा को सुना है, इससे पहले मैंने खुद फॉर द फर्स्ट टाइम कृष्णा को सुना है, और काफी अच्छी राइमिंग करता है बात यह। और तल्ला की अंजुम की बात थी, वो सिलेबल और सेलेबस, हाँ, वाली वो काफ़ी अच्छी थी, जैसे सेलेबस की तरह सिलेबल्स रटेंगे, ये वाला है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है यार, वो पता नहीं वर्डिंग कहाँ से निकाल देते हैं ये लोग, काफ़ी अच्छी पोइट्री करते हैं, और फिर अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर सपोज एक लव सॉन्ग हो तो वो उसी की तरह गाएंगे, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग हो जैसे गुमान है वो उन्होंने गाया है, रेवेंज तो ये वैसे लेते हैं, और डिस में इन्हें कोई हरा नहीं सकता, और बाकी लोगों ने इसमें ही लिखा है कि मतलब कांट डिसाइड कि सबसे अच्छा वर्स किसने गाया, हाँ, क्योंकि तीनों ने अलग अलग वाइब में गाए हैं और बहुत अच्छी गाए हैं, तीनों का अपना स्टाइल है, यूनुस का फ्लो कितना, हाँ, ज्यादा था, और कृष्णा ने जिस तरह कृष्णा की राइमिंग, अंजुम के वर्ड्स, अंजुम का स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये सॉन्ग। और गाइस अभी रिसेंटली तल्हा यूनुस और तल्हा अंजुम का कॉन्सर्ट हुआ इस्लामाबाद में, सो हम हमारे पास उनकी वीडियोज़ हैं, हम उन पर भी रिएक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कॉन्सर्ट से कुछ क्लिप्स जो हमारे पास हैं, हाँ, उसके बारे में हम लोग बताएंगे, और उसमें हम लोग उसमें आई गेस जॉके थे और तल्हा यूनुस, तल्हा अंजुम और लास्ट में रैप डायमंड भी आए थे, वो तो सिर्फ मुझे लगता है कुछ एक दो सॉन्ग के लिए, हाँ, बहुत कम थे, सो उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को, इस वीडियो पर कॉमेंट करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि हम बाकी किस सॉन्ग्स पर रिएक्ट करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।